डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर टू, द स्वान एंड द प्रिंसेस। अ प्ले, ये एक नाटक है। अबाउट द लेसन जाने, दिस शॉर्ट प्ले इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट, ये एक सच्ची घटना पर आधारित नाटक है। दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के जीवन में ये घटना घटित हुई। देवदत्त शूट्स डाउन अ स्वान, देवदत्त एक हंस को मारता है, बट गौतम बुद्ध पिक्स इट अप, और जबकि गौतम बुद्ध इसको उठा लेते हैं एंड सेव्स इट लाइफ, और इसका जीवन बचाते हैं। गो थ्रू द प्ले एंड फाइंड आउट हु हैज अ बेटर क्लेम फॉर इट, इस नाटक में देखेंगे हम, जानेंगे कि किसने अच्छा दावा सिद्ध किया। तो इस नाटक के पात्र कैरेक्टर्स हैं, पात्र सुद्धोधन जो कि कपिल, किंग ऑफ कपिल वस्तु, जो कपिल वस्तु के राजा हैं, सिद्धार्थ द प्रिंस ऑफ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के राजकुमार हैं सिद्धार्थ, देवदत्त सिद्धार्थ कजिन, और देवदत्त है वो सिद्धार्थ के चचेरे भाई हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड फोर अदर मिनिस्टर्स ऑफ द किंग, द डोरकीपर, तो ये इतने सभी आपके इस नाटक में पात्र हैं। द किंग सुद्धोधन, किंग सुद्धोधन इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा सुद्धोधन अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हिज मिनिस्टर्स आर सिटिंग अराउंड हिम, और उनके मंत्रीगण वो भी उनके आसपास चारों तरफ बैठे हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग टू हिम, और मुख्यमंत्री राजा से कुछ कह रहे हैं। जस्ट देन, ठीक तभी, द डोरकीपर एंटर्स एंड बोज टू द किंग, उसी समय डोरकीपर दरबान प्रवेश करता है और राजा से कुछ कहता है। डोरकीपर, लॉन्ग लिव द किंग सर, प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू कम इन, इस शिष्टाचार के नाते वो कहते हैं कि राजा महाराज आप दीर्घायु हो, और लेकिन प्रिंस देवदत्त आपसे मिलना चाहते हैं। किंग कहते हैं ब्रिंग हिम इन, उनको अंदर ले आओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, फिर दरबान झुकता है, फिर बाहर चला जाता है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वाई प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम, कि प्रिंस देवदत्त इस समय राजा से क्यों मिलना चाहते हैं। सेकेंड मिनिस्टर कहता, परहैप्स ही वॉन्ट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, कि वो शायद किसी के खिलाफ कुछ शिकायत करना चाहते हैं। तो डोर कीपर एंटर्स विद देवदत्त, बोथ ऑफ देम बोज टू द किंग, और दोनों ही अंदर प्रवेश करते हैं, देवदत्त और दरबान, और दोनों ही राजा के सामने झुकते हैं। किंग कहते हैं, व्हाट इज इट देवदत्त, देवदत्त ये क्या है, व्हाई हैव यू कम टू मीट मी एट दिस टाइम, तुम इस समय मुझसे मिलने क्यों आए हो। देवदत्त कहते हैं, सर द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वान, जो राजकुमार हैं वो मुझे मेरा हंस नहीं देंगे। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग, राजा कहते हैं स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, बी काम देवदत्त, देवदत्त शांत हो जाओ, है सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, क्या देव स्वान देव सिद्धार्थ ने तुम्हारा तुमसे हंस ले लिया है। देवदत्त कहते हैं, यस सर, हाँ श्रीमान, ही है, उन्होंने ले लिया है। आई शॉट इट, मैंने इसको मारा था, एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, और ये जमीन पर राजकुमार के पास जाकर गिर गया। ही पिक्ड इट अप, उन्होंने इसको उठा लिया, एंड सेड, और कहा, ही वुड नॉट गिव इट टू मी, कि वह इसको मुझे नहीं देंगे। किंग कहते, दैट्स वेरी नॉटी ऑफ सिद्धार्थ, ये तो सिद्धार्थ बहुत ही नॉटी शरारती है। टू द डोरकीपर, डोरकीपर कहते हैं, एंड गो एंड कॉल हिम, और दरबान से कहते जाओ उनको बुला कर लाओ। थर्ड मिनिस्टर, द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, चला जाता है डोर कीपर। थर्ड मिनिस्टर, सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, जो थर्ड मिनिस्टर है बहुत ही धीरे से चौथे मंत्री से कहते हैं, द प्रिंस इज गुड लैड, कि राजकुमार हैं कैसे हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हैं। ही कैन नॉट डू अ थिंग दैट इज रॉन्ग, वो ऐसी चीज नहीं कर सकते जो कैसी हो, जो गलत। फोर्थ मिनिस्टर कहते हैं, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। द डोर कीपर एंटर्स विद द प्रिंस सिद्धार्थ, दरबान है, प्रिंस सिद्धार्थ के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। हु हैज अ वाइट स्वान इन हिज आर्म्स, उनके हाथों में, भुजाओं में सफ़ेद हंस है। सिद्धार्थ बोज टू द किंग, सिद्धार्थ राजा के सामने झुकते हैं। तो फिर क्या, किंग पूछते हैं, सिद्धार्थ देवदत्त says that you have taken his swan, देवदत्त कह रहे हैं कि तुमने उनका हंस ले लिया है। Is that the swan which you took from him, क्या ये वही हंस है जो तुमने इससे लिया है। सिद्धार्थ कहते हैं, Your Highness, देवदत्त has complained about this swan, but it is not his swan, it is mine,
सिद्धार्थ कहते हैं महाराज देवव्रत ने इस हंस की शिकायत की है बट लेकिन ये उसका नहीं है, ये मेरा है। देवव्रत नो योर हाइनेस, नहीं महाराज, इट इज़ नॉट हिज, ये इनका नहीं है, इट इज माइन, ये मेरा है। आई शॉट इट, मैंने इसको मारा था विद एन एरो, एक बाण से। सिद्धार्थ इज टेलिंग अ लाई, सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। किंग कहते हैं बी काम देवव्रत, देवव्रत शांत हो जाओ। यू से तुम कहते हो दैट स्वान इज योर, ये हंस तुम्हारा है बिकॉज यू शॉट इट, कि तुमने इसको मारा, इज दैट राइट, क्या यही है? देवव्रत कहते हैं यस सर, दैट्स क्वाइट राइट, ये ठीक है। किंग कहते हैं व्हाट डू यू से सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम क्या कहते हो, व्हाई डू यू से दैट स्वान इज योर्स, तुम क्यों कहते हो ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ कहते हैं योर हाइनेस महाराज, देवव्रत शॉट दिस स्वान, देवव्रत ने इस हंस को मारा, बट आई सेव्ड इट्स लाइफ, लेकिन मैंने इसका जीवन बचाया है, दैट इज व्हाई इट्स माइन, यही कारण है कि ये मेरा है। मिनिस्टर्स कहते हैं हियर हियर, सुनो सुनो सुनो। द किंग लिसन सिद्धार्थ, तो राजा कहते हैं सिद्धार्थ सुनो, अ क्षत्रिय कैन नॉट गिव व्हाट ही हैज सॉट, डू यू एग्री विद मी, कि एक क्षत्रिय जिसने उसका शिकार किया है इस चीज का उसको छोड़ नहीं सकता, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? सिद्धार्थ कहते हैं यस आई डू सर, मैं आपसे सहमत हूँ, बट लेकिन एक क्षत्रिय कांट गिव अप अ सप्लेंट आइदर, ए लेकिन एक क्षत्रिय एक शरणार्थी को भी छोड़ नहीं सकता। दिस स्वान केम टू मी फॉर प्रोटेक्शन, ये हंस मेरे पास शरण लेकर आया था, आई कांट गिव इट अप, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। देवव्रत कहते हैं योर हाइनेस दिस इज इनजस्टिस, ये तो अन्याय है, आई शॉट द स्वान सो इट इज माइन, मैंने इस स्वान को मारा है इसलिए ये स्वान मेरा है। किंग कहते हैं वेल बॉयज आई एम पजल्ड, हाँ हाँ बच्चों मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ, इट इज स्ट्रेंज केस, ये तो बहुत ही विचित्र मामला है, आई डोंट नो हाउ टू डिसाइड इट, मैं नहीं जानता कि इसका निर्णय कैसे हो। टू द चीफ मिनिस्टर्स कैन यू हेल्प मी, तो राजा कहते हैं चीफ मिनिस्टर्स जो अपने मुख्यमंत्री से, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? चीफ मिनिस्टर कहते हैं आई विल ट्राई योर हाइनेस, हाँ महाराज हम प्रयास करेंगे। किंग वेरी वेल देन प्लीज गो अहेड, तो बहुत अच्छा तो चलिए आगे बढ़िए। चीफ मिनिस्टर कहते हैं प्रिंस सिद्धार्थ एंड प्रिंस देवव्रत प्लीज लिसन टू मी, तो चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री दोनों से कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवव्रत कृपया मेरी बात को सुने, ध्यान से सुने, प्लीज लिसन टू मी, ध्यान से सुने। प्रिंस देवव्रत सेज दैट स्वान इज हिज बिकॉज ही शॉट इट, जो राजकुमार देवव्रत कहते हैं कि ये स्वान हंस उनका है क्योंकि उन्होंने उसको मारा है। एंड प्रिंस सिद्धार्थ सेज, और जो राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं इट इज हिज, ये हंस उनका है बिकॉज ही सेव्ड इट्स लाइफ, क्योंकि उन्होंने इनका जीवन बचाया है। एम आई राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सिद्धार्थ एंड देवव्रत दोनों ही कहते हैं यू आर यस यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। फिर देवव्रत कहते हैं चीफ मिनिस्टर क्यों कहते हैं गुड नाउ प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज पुट द स्वान ऑन दिस स्टूल, कि इस हंस को एक स्टूल पर रख दो। सिद्धार्थ पुट्स द स्वान ऑन द स्टूल एंड गोज बैक टू हिज प्लेस, तो सिद्धार्थ हैं उस हंस को एक स्टूल पर रख देते हैं और वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। द स्वान इज फ्राइटेंड एंड कीप्स लुकिंग एट सिद्धार्थ, तो स्वान जो है हंस बहुत डरा हुआ है और वो सिद्धार्थ की ओर ही देख रहा है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं प्रिंस सिद्धार्थ प्रिंस देवव्रत प्लीज कम फॉरवर्ड, राजकुमार देवव्रत कृपया आगे आइए, एंड आस्क द स्वान टू कम टू यू, और हंस से कहिए वो आपके पास आ जाए। देवव्रत कमिंग फॉरवर्ड कमिंग टू मी, ओ स्वान कम कम कम, द स्वान ट्रेम्बल्स एंड क्राइज विथ फियर, तो देवव्रत जो कहते हैं कि मेरे पास हंस आइए, ओ स्वान कम मेरे पास आओ, तो देखते हैं कि जो हंस है ट्रेम्बल्स कांपने लगता है और डर से चिल्लाने भी लग जाता है। इसके साथ में ही फिर चीफ मिनिस्टर कहते हैं दैट विल डू प्रिंस देवव्रत, हाँ ये सही रहेगा। नाउ इट इज योर टर्न टू कॉल द स्वान प्रिंस सिद्धार्थ, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी है स्वान हंस को बुलाने की। देवव्रत गोज बैक, तो देवव्रत वापस चले जाते हैं, सिद्धार्थ कम्स फॉरवर्ड, और सिद्धार्थ आगे आ जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं गोइंग नियर द स्वान, उस हंस के पास जाते हुए डियर स्वान प्यारे हंस डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, कम एंड सिट इन माई आर्म्स, आओ और मेरी बाहों पर या मेरी भुजाओं पर बैठ जाओ। द स्वान एट वंस फ्लाइज टू सिद्धार्थ आर्म,
जो हंस है वो बहुत ही शीघ्रता से तुरंत ही सिद्धार्थ की भुजाओं पर बैठ जाता है। द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं टू द किंग, राजा से, योर हाइनेस महाराज, द स्वान हैड डिसाइडेड द केस, कि हंस ने ही इस मामले का निर्णय कर दिया है। किंग, इट हैज डिसाइडेड इंडीड, राजा कहते हैं हाँ निर्णय हो गया है वास्तव में, एंड वी एक्सेप्ट द डिसीजन, और हम सभी इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। द स्वान, जो हंस है, बिलोंग्स टू प्रिंस सिद्धार्थ, ये हंस किसका है, ये राजकुमार सिद्धार्थ का है। ऑल, लॉन्ग लिव प्रिंस सिद्धार्थ, क्या कहते सभी लोग कि जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं वो दीर्घायु हों। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे बच्चों, वो बाद में वही गौतम बुद्ध बने थे और उन्होंने शांति का प्रचार किया था। अच्छा, इस पाठ के वर्ड मीनिंग्स कॉपीज में नोट कर लें और अपने अपने क्लास के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, गुड बाय।